सो गाइस, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो पर ऑटोडेस्क स्केचबुक का फुल डिटेल्स देने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग फुल देख लेते हो तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से ऑटोडेस्क स्केचबुक को यूज़ कर सकते हो एंड वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हेयर एडिट कर सकते हो, फेस को स्मूथ कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो एंड बैकग्राउंड के अंदर कलर दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो गाइस। ये छोटा सा वीडियो अगर आप लोग फुल देखते हो तो एंड गाइस, इस चैनल पर अगर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो। सो चले आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जब आप पहली बार ऐप को ओपन करोगे तो आप लोगों के सामने बहुत सारे टूल्स ओपन हो जाएगा एंड आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो कौन सा टूल्स का क्या काम है। गाइस, मैं आप लोगों को शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो पर एंड जो टूल्स आप लोगों को यूज़ करना चाहिए वही टूल्स के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है, ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर। गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं और सबसे पहला यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। गाइस, यहाँ पर एक लेयर का ऑप्शन मिल जाता है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो लेयर का ऑप्शन है ना, इसको आप लोगों को ज़रूर यूज़ करना चाहिए एंड यहाँ पर आप लोगों को प्लस वाला आइकन मिल जाएगा एंड आप लोग जितना लेयर चाहिए यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। गाइस, यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ, सबसे पहले ये था मेन पॉइंट एंड गाइस और बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो गाइस, अगर आप लोग बैकग्राउंड इरेज चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग टूल्स का आइकन देख सकते हैं, यहाँ पर टैप करना है आप लोगों को और गाइस यहाँ पर एक हार्ट इरेजर वाले नाम एक ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर एंड सेटिंग का आइकन के ऊपर टैप करिए और नीचे का जो ऑप्शन है 98 एंड साइज को अपने मुताबिक से रख के आप लोग बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं, ठीक है। इस ऐप पर बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। गाइस, इसका जो यहाँ पर ऑप्शन है इसके अंदर टैप करना है और नीचे जो लेयर है ना, सो बैकग्राउंड ऑप्शन का लेयर है ना, इसके अंदर एक आई का आइकन है, इसके अंदर टैप कर देना है और बैकग्राउंड जो है इरेज हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस टूल का यूज़ कर सकते हैं एंड मैं बैक आ जाता हूँ और गाइस यहाँ पर और फिर से मैं इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करूँगा। टैप करने के बाद गाइस यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन गाइस सारे टूल्स का जो यहाँ पर काम है नहीं होता है और जो मेन टूल्स है यहाँ पर हेयर एडिट करने का गाइस। सो हेयर एडिट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे टूल्स मिल जाता है गाइस। इस टूल्स के मदद से आप लोग फेस को भी स्मूथ कर सकते हैं। वीडियो को फुल्ली देखना, मैं इसका भी सेटिंग बता दूंगा आप लोगों को, आप लोग कैसे हेयर को एडिट कर सकते हैं एंड फेस को स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, ए वाला जो टूल्स है नीचे आप लोग देख सकते हैं ए वाला टूल्स, सो इसके अंदर टैप करने के बाद गाइस यहाँ पर सेटिंग का आइकन दिख जाएगा, इसके अंदर टैप करिए और यहाँ से गाइस आप लोगों को यहाँ पर 10% रखना है, ठीक है, 10 या 11% रखना है आप लोगों को। सो गाइस, मैंने यहाँ पर 10% रख दिया और अब लोग जहाँ भी पेंट करोगे फेस स्मूथ होता जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं साइज को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर स्मूथ करके आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फेस स्मूथ हो रहा है एंड कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर फेस को स्मूथ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग फेस को भी स्मूथ कर सकते हैं गाइस इसी टूल्स के मदद से, ठीक है। और गाइस, और रही बात यहाँ पर हेयर एडिट करने की, आप लोग इसी टूल्स के मदद से हेयर एडिट कर सकते हो, साइज को बड़ा कर लीजिए एंड कुछ इस तरीके से हेयर को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सो यही था आज का जो यहाँ पर टिप्स है गाइस। आप लोगों को हर एक टूल्स के बारे में मैं बताऊँगा जो आप लोगों को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ सबसे पहले और बैक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, फिर से टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर फिर से टूल्स को ओपन कर लेना है एंड बहुत सारे टूल्स मिल जाएगा आप लोगों को। अगर आप लोग यहाँ पर जो ए वाला टूल्स है इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, इससे भी हेयर एडिट हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं हेयर जो है एडिट हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हेयर को एडिट कर सकते हैं इसी टूल्स के मदद से। मैं सेटिंग को आप लोगों को दिखा देता हूँ, टूल्स का सेटिंग आप लोग देख लीजिए गाइस एंड इस टूल्स के मदद से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हेयर को एडिट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स है, आप लोग ज़रूर यूज़ करना इसे एंड ये जो टूल्स है ना इसके मदद से आप लोग हेयर एंड फेस को स्मूथ कर सकते हैं गाइस। आप लोग को अच्छे तरीके से ट्राई करना एंड अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं इसी टूल्स के बारे में मैं डिटेल्स में आप लोगों को बता दूंगा। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग अगर हेयर को कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक टूल्स मिल जाएगा आप लोगों को, नीचे आप लोग देख सकते हैं इस टूल्स के मदद से आप लोग हेयर को कलर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक ऑप्शन, इसके अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस आप लोग जो भी कलर करना चाहते हैं कलर को सिलेक्ट कीजिए एंड गाइस यहाँ पर आप लोगों को जूम कर लेना है
और कुछ इस तरीके से आप लोगों को हेयर के अंदर देना है, ठीक है। देने के बाद गाइस जो पहला वाला यहाँ पर हेयर का ब्रश था उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो पहला वाला हेयर का ब्रश है इसको सिलेक्ट करके साइज को 10% रखना है। और गाइस कुछ इस तरीके से आप लोगों को हेयर को कलर कर देना है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हेयर जो है कलर हो रहा है एंड कितना अच्छे तरीके से कलर हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से गाइस आप लोग हेयर को कलर कर सकते हैं। गाइस ये ट्रिक कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताओ, और भी ऐसे ही ट्रिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। यहाँ पर गाइस और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर अगर आप लोग टैप करोगे तो यहाँ पर आप लोग फोटो इनपुट इमेज टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि गाइस इनपुट इमेज, इसके अंदर अगर कोई भी पीएनजी और जो बैकग्राउंड होता है ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर से कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, जो पास में जो एक ऑप्शन है टेक्स, इसके अंदर जाकर आप लोग टेक्स लिख सकते हैं, जैसे कि जे आर एडिटिंग जोन और यहाँ से राइट। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेक्स वगैरह लिख रहा है, और इसको मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करूंगा और अच्छे तरीके से एग्जिस्ट करूंगा। तो यहाँ पर टैप करना है आप लोगों को, और गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लगा सकते हैं। सो गाइस यही था यहाँ पर कुछ सेटिंग, और यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन एक देख सकते हैं आप लोग। कलर वाले ऑप्शन के अंदर अगर टैप करोगे तो यहाँ पर कोई सा भी कलर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि गाइस ग्रीन हो गया, रेड हो गया, सब कुछ कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पर से। और गाइस रही बात यहाँ पर लेयर की, सो लेयर को आप लोग ऐसे डिलीट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर आप लोगों को टैप करना है, और टैप करने के बाद लेयर ओपन हो जाएगा, और लेयर के आइकन के ऊपर टैप करिए। टैप करने के बाद यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर कर लेना है आप लोगों को। और गाइस यहाँ से आप लोग अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड का जो कलर है चेंज हो रहा है, सो ऐसे करके आप लोग चेंज कर सकते हैं। डन पर टैप करना है, और यहाँ पर ब्रश का आइकन और इरेजर ब्ले ब्रश को सिलेक्ट करना है आप लोगों को, इरेजर ब्ले ब्रश। और उसके बाद गाइस जूम करिए और फेस से कुछ इस तरीके से रिमूव कर दीजिए, और आपका जो यहाँ पर फोटो है लाइटरूम के जैसा एडिटिंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो ऐसे करके आप लोग बहुत ही आसान तरीके से बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं इस ऐप पर। गाइस ये ट्रिक आप लोगों को जानकर कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। सो गाइस आज के लिए तो इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।